ठीक है, तो क्या बोले थे एम्बिडेंट इंडिगेंट कि दो डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही डोनर एटम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास भी है इलेक्ट्रॉन पेयर और इसके पास भी है, लेकिन एट अ टाइम ये एक ही करेगा। ठीक, समझ में आया। एच के साथ करता है तो एच सी एन बना देगा या फिर एच एन सी बना देगा। ये देखे एन के साथ है, ठीक है, ये एन और सी, यहाँ भी उसी तरीके से सी कर देगा तो क्या बना देगा, साइनिडो बनाता है। और जो किसके साथ बॉन्डिंग है, यस सी के साथ। ठीक है, बात समझ में आया। और यदि ये रहेगा तो एन सी रहेगा तो ये एन के साथ बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम, तो इसको साइनिडो क्या बोलेंगे, एन कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसके साथ बॉन्डिंग बनेगा, मतलब दो तो अवेलेबल हैं लेकिन एट अ टाइम ये एक ही के साथ कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड। NO2 माइनस, ये भी यहाँ पे देखेंगे नाइट्रिडो आयन है। ठीक, यहाँ पे ये भी, इसके पास निगेटिव है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करता कौन है, एट अ टाइम कोई एक ही करेगा। ठीक है, ओ करेगा तो नाइट्रिटो ओ बनेंगे, और एन करता है तो नाइट्रिटो एन बनेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से, इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक, उसी में आपका आपका आता है एक फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड। ठीक है, फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड के साथ क्या खासियत है कि कहता है ये ऐसा तरीके का लिगेंड है जो चेंज दियर डेंटिसिटी, ठीक है, जो अपना डेंटिसिटी को क्या कर सकता है, चेंज, मन किया तो एक रहा, मन किया तो दो रहा। ठीक है, यानी कि जरूरत मान लेते हैं एक का जरूरत पड़ा तो मोनोडेंटेट बन गया, दो का जरूरत पड़ा तो बाइडेंटेट बन गया, तीन का जरूरत पड़ा तो ट्राइडेंटेट बन गया। मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन है तो, यदि तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो ट्राइडेंटेट तक कर सकता है, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी, फ्लेक्सिबल है वो। ठीक है, ऐसा समझो, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड कहलाएगा। जैसे कि SO4-2, ठीक है, S2O4-2, ठीक है, CO3-2 आर मोनोडेंटेड लिगेंड। और ये ADT है, नहीं ADT नहीं, यहाँ पे ये सारे क्या है, आर मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड, बट इन सम कंपाउंड दे बिहेव्स एज बाइडेंटेड। ये बेसिकली मोनोडेंटेट बिहेव करते हैं, इन कुछ कंपाउंड ये बाइडेंटेड भी लिगेंड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल TO, ठीक है, कोबाल्ट, En2, ठीक है, और SO4, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, बाहर में पॉजिटिव साइन है, क्या है, बाहर में पॉजिटिव साइन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली कितना आ रहा है, आपको एक चीज और बता दें कि इसका चार्ज, जो आ रहा है ना CO का, ठीक है, कोबाल्ट का चार्ज जो आ रहा है कोबाल्ट का, वो कितना आ रहा है, +3। ठीक है, +3, हम बताएंगे कैसे कैसे होता है, सिंपल सा है। ये प्लस यहाँ पे है तो SO2 का क्या होता है, -2। ठीक है, तो निकालना किसका, और ये न्यूट्रल है, ये एन क्या है, न्यूट्रल, तो जिसका निकालना है वो क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक, समझ में आया। और प्लस क्या हो जाएगा, ये -2, -2, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या, ये चार्ज कितना था, +1। ठीक है, +1, तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यानी कि कोबाल्ट का कितना रहता है, +3। और खास बात है कि कोबाल्ट, यदि कोबाल्ट +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली देखा गया है 6। क्या देखा गया है, 6 CN देखा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 है, इसका मतलब कि EN से कितने हो गए, 2 EN से हो गए 4, 2 EN से हो गए 4। ठीक है, 2 × 2, 1 से 2, 1 से 2, तो कितना हो जाएंगे, 4। और 6 चाहिए, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, इसका मतलब SO4 ये क्या शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है। SO4 क्या शो कर रहा है, 2, इसका मतलब SO4 यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम कर रहा है। आया बात समझ में, ये समझ में धीरे धीरे अपने आप आइडिया मिलते जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, अभी बस समझते चलना है, सब सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे SO4 कैसे ये स्ट्रक्चर बनता है, तो ये कोबाल्ट 2 EN है, उसका स्ट्रक्चर है, और SO4 ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करता है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर करता है, और हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या रहता है, हाईली स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि 4 मेंबर्ड का रिंग का फॉर्मेशन ये करता हुआ नजर आता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम ये बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो कोबाल्ट का फिर से ये फिर ये न्यूट्रल है। ठीक है, कोई इस पे चार्ज नहीं, न्यूट्रल। ठीक है,
ये न्यूट्रल है, ये माइनस टू, तो फिर से ये क्या, प्लस बाहर में वन है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, प्लस थ्री का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, और ये पांच है, इसका मतलब ये कितना होगा, एक होगा, यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा शो कर रहा है, मोनोडेंटेट की तरह शो कर रहा है, तो इट डिपेंड्स, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और EDTA की बात करें, EDTA की बात करें तो ये देखेंगे थोड़ा सा, हेक्सा डेंटेट लिगेंड ये होता है, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ पेंटाडेंटेट और टेट्राडेंटेट लिगेंड, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये पेंटाडेंटेट और टेट्राडेंटेट की तरह भी एक्ट कर सकता है, लेकिन ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। ब्रिज लिगेंड, तो ब्रिज लिगेंड किसको कहते हैं, कि दो सेंट्रल एटम के बीच में, ठीक है, वो किस तरीके का फॉर्मेशन करता है, ब्रिज का, दैट इज कॉल्ड ब्रिज लिगेंड, ठीक है। उस तरीके के लिगेंड को क्या कहते हैं, ब्रिज लिगेंड कहते हैं, और नॉर्मली मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो ब्रिज लिगेंड के तौर पे काम आते हैं। ये एग्जांपल है ब्रिज बनेगा, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे चलते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें भी एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम लोग SFL कहते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड को क्या कहते हैं, WFL। सिंपल सा है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर दे आसानी से, एकदम आसानी से, वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो आसानी से नहीं दे पा रहा है पेयरिंग में पार्टिसिपेट, मतलब कि नहीं दे पा रहा, वो क्या हो जाएगा आपका, वीक फील्ड लिगेंड। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो आसानी से देता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसमें पेयरिंग होता है, ध्यान में रखना है पेयरिंग। ये पेयरिंग क्या होता है, तो जैसे कि कहने का मतलब है, ये देखेंगे D6, ये ऐसे कॉन्फिगरेशन होता है, तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, आपका पेयर हो जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, पेयर्ड में बन जाएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ SFL। लेकिन यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं होता जनरल, तो ये चीज ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको कहते हैं वो तुरंत अभी बताते हैं, वीक फील्ड लिगेंड किसको कहते हैं वो भी तुरंत बताते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग नहीं होगा, सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगा अगेंस्ट हुंड्स रूल, और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें पेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। और कौन कौन से ये लिगेंड है भाई, तो कान, नाक और हाथ, ठीक है, ये कान, ठीक है, कान, नाक और हाथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, कान का मतलब रिप्रेजेंटेड बाय C, कार्बन डोनर, ये हो गया आपका N, ये हो गया O और ये हो गया H, तो ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है क्या, ये जो है ये कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं वो SFL कहलाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें यस, इसमें आपका पेयरिंग हो जाएगा। और ऑक्सीजन डोनर और हाइड्रोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड होता है जनरली, और इसमें आपका पेयरिंग नहीं होता है जनरली, ध्यान में रखना है। तो कान, नाक और हाथ ध्यान में रखना, कान और नाक का क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और हाथ क्या रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होता है, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है। उसके बाद पांचवा आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। कहता है नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड, पहला तो लिगेंड विच कैन ओनली डोनेट देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये क्या करेगा, केवल सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, F- Cl-, ठीक है, Br-, ठीक, H2O, ठीक है, I- etc, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केवल क्या करता है, सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा क्या है, नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब इस तरीके का जो लिगेंड होता है ना, वो क्या करता है कि लिगेंड तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल को, लिगेंड क्या करेगा, सबसे पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड, किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड। और यदि लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और मेटल के पास लोन पेयर, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ है, ठीक, और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ट्रांसफर कर दे किसके, लिगेंड के, ठीक है, लिगेंड के ट्रांसफर कर दे, तो वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब मेटल
अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में देता है, तब जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, एक स्पेशल नाम उसको मिलता है, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड ऑल्सो कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके का केस कार्बोनिल CN NO ठीक है PPH3 ठीक है, जिसमें वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है क्या होने चाहिए, एंटी वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक ये चीज देखना चाहिए, ये जरूरी है। ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, इन्हीं के केस में केवल देखने को मिलता है, जनरली लिगेंड कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन कभी मेटल की इच्छा हुई और लिगेंड की श्रद्धा हुई तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक उसके बाद आएगा आपका क्या है भाई, तो सी में क्या बोलता है, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो कहता है ये ध्यान में रखने वाली बात है थोड़ा सा, बोलता है कि लिगेंड विच कैन डोनेट देयर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम इन देयर एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड पाई डोनर, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि यदि एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, कैसे समझना है, इसको कहते हैं जीजे सॉल्ट, ZEISES, ठीक है फेस्टोफीएस सॉल्ट क्या होता है भाई, तो के ठीक है PtCl3 ठीक है, ये हो जाएगा C2H4, ये होता है, ये पीटी है जी पीटी, ठीक। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बीच में आपका पीटी है, ठीक है ये है Cl-, ये Cl-, ये आपका रहेगा Cl-। तो ये तीनों क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद ये C2H4 क्या होता है, CH और यहाँ डबल बॉन्ड, तो एक क्या है सिग्मा और एक क्या है पाई, है ना। तो ये जो पाई डेंसिटी है, ये क्या डेंसिटी, वो यदि इसको पार्टिसिपेट करते, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि मेटल के पास था, ये उल्टा जा रहा था, इससे पहले वाला उल्टा मेटल से लिगेंड में, लेकिन इसमें इस वाले में क्या है ध्यान से देखेंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इसको कोऑर्डिनेट कर दे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर रहा, डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोऑर्डिनेट कर दे, तो इस प्रकार को भी सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग कहा जाता है, और इसको पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड के तौर पे जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। एक तो लोन पेयर ही हो गया उल्टा वाला, जो मेटल भी कर रहा है, और जनरली लोन पेयर होता है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ये जीजे सॉल्ट है, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है जी, इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये एक देखो जरा सा, अब इसी में एक एग्जांपल है, ये के PtCl3, ये ईटा, इसको क्या बोलते हैं ईटा, और ये टू ठीक है C2H4, इसका मतलब होता है हाउ मेनी एटम इन रिंग, ठीक है एन ईटा रिप्रेजेंट बेसिकली हेप्टिसिटी, और हेप्टिसिटी का मतलब क्या होता है, द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब जैसे ये बेंजीन रिंग है, तो इसमें ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ये बेंजीन रिंग है, तो इसमें क्या होता है डबल सिंगल डबल, और ये क्या रहता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या होता रहेगा घूमते रहता है डबल सिंगल घूमते रहता है ना, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड, समझ में आया क्या होता है, ये घूमते रहेगा। अब ये क्या है, एन क्या हैप्टिसिटी, यानी कि द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड टू सेंट्रल मेटल थ्रू द कंटिन्यूस एन, इस तरीके का इसी कहेंगे ये। अब इस तरीके के कितने हैं, मतलब कितने रिंग इस तरीके के बनेंगे, तो यदि टू लिखा हुआ है तो यानी कि दो एटम का रिंग बन, मतलब हाउ मेनी एटम्स इन रिंग टू, यदि तीन है तो तीन, चार है तो चार, पाँच है तो पाँच, तो इसमें कितना एटम आपका आ रहा था, केवल दो, कार्बन और कार्बन क्या बन रहा था, ये पाई बन रहे हैं, ठीक है दैट्स वाई यहाँ क्या लिखा है टू लिखा है। अब यहाँ देखो सिक्स लिखा है, तो सिक्स का मतलब क्या हो गया, सिक्स का मतलब छह रिंग बन रहा है, तो C6H6 क्या है बेंजीन,
तो छह ही रिंग तो बनेगा, ठीक है, इट्स सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम, सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक। अब ये देखो, ये एन फाइव, एन फाइव का मतलब क्या कि पांच एटम का रिंग बन रहा, तो ये चेक करिए, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइल इनाइल, ठीक, इसमें क्या एन फाइव का मतलब कितना सी सिक्स एच फाइव, इसको क्या बोलते हैं फेरोसिन, क्या बोलते हैं फेरोसिन, ठीक है, तो ये फेरोसिन, ये आपका ऐसा हो जाएगा Fe, ठीक है, प्लस टू होता है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, तो ये इसको और ये इसको, ठीक है, ये ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान से, ये ऐसा, ऐसा भी करके मिलता है, ठीक है, ये भी, ये फेरोसिन हो गया, और इसको सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड, क्योंकि ऊपर और नीचे जस्ट दोनों आपस में इस तरीके से रहते हैं, इसको सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ आ गए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो क्या बोलता है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जो चार्ज प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम पे वही क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, ठीक। जैसे कि बात करें K4FeCN6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सिक्स, समझ में आ रहा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना इस ब्रैकेट के अंदर। अब देखो, हाँ भाई क्या क्या हो गया, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा 2D आएगा, कैसे 2D आएगा, ये इस तरीके से 2D आता है, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से क्या हो जाएगा 2D आएगा, ठीक, या सिंपल ऐसे भी आप कर सकते हो, K है 4, ठीक है, तो 4 प्लस 1 चार्ज के साथ पोटासियम होता है, प्लस निकालना किसका इसका, तो इसको क्या मानेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस 6, 6 ये हो गए 6, ठीक है, और माइनस 1 किसका चार्ज है भाई CN का चार्ज है माइनस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या मानेंगे 0, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 0 पूरे कंपाउंड पे, ठीक, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 2, इसका मतलब ये फेरस है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ यदि रहता आपके पास, ये ब्रेक कर देते तो क्या हो जाता 4K प्लस, और साथ ही साथ उधर क्या बचता Fe, ठीक है, CN का होल 6 और ये ऐसे, और ये प्लस, तो ये हो जाता माइनस, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, किस तरीके से माइनस 4 प्लस 4 हुआ है ना इधर, माइनस 4 हो जाता, तो इसको मान लेते क्या x, तो क्या हो जाता x प्लस, और ये क्या हो जाता 6 इंटू, ठीक है, माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 और बराबर क्या हो जाता 4, तो कितना हो जाता x प्लस, सॉरी x माइनस 6 हो जाता, x माइनस 6 बराबर क्या होता 4, और x बराबर क्या हो जाता प्लस, सॉरी यहाँ माइनस 4 है ना, हम माइनस 4 यहाँ माइनस 4, x बराबर हो जाता प्लस 2, निकाल ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, सिंपल रेडॉक्स में भी आप लोग देखे होंगे, निकालने के लिए सीखे होंगे, एकदम सेम वही है, तो ये K3 इसको भी करके निकालेंगे, 6 ये हो जाएगा, इसका क्या निकलेगा प्लस 3, तो ये फेरिक हो जाएगा, ठीक है, ये वाटर, वाटर होता है न्यूट्रल, NH3 भी होता है न्यूट्रल, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सब न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो ये क्या निकल जाएगा प्लस 3 निकल जाएगा, ये बाइडेंटेट होता है ध्यान में रखना है, तो बाइडेंटेट कहते हैं ना C2O4 बाइडेंटेट, तो माइनस 2 कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करेंगे माइनस 2, चार्ज में क्या कंसिडर करेंगे माइनस 2, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे NH3, तो NH3 क्या है न्यूट्रल, 0 कंसिडर करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब न्यूट्रल उसमें कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कोई नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, दैट्स वाई उसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव लिगेंड है, सॉरी निगेटिव लिगेंड है, तो वो माइनस आपका कंसिडर होगा ही होगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मतलब निगेटिव चार्जेस कितने हो सकते, ठीक, तो इस पर कितना आ जाएगा प्लस 2, ये AgS2O3 का होल 2 है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा Na3, तो याद रखने का तरीका 3-2-1, 3-1-2, यानी ये 3 सोडियम 1 Ag और 2 S2
H2O3, नहीं तो याद नहीं रहता ही। और इसका कितना निकलेगा, इसका +1 निकलेगा, ठीक है। तीन किसके, Na, X जिसका निकालना है, +2 H2O3 क्या होता है, -1, जनरली -1 मोनोडेंटेट बताए थे ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। X बराबर क्या निकल जाएगा, +1। उसी प्रकार से ये है Cr है, ठीक है, En का होल ट्वाइस है, NH3 है, Cl है, और ये SO4। तो इसका करने पे कितना आ जाएगा, +3 आपका निकलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। NH3 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, CN क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, Cl पे क्या रहेगा, -1, ये देखो यहाँ नजर आ रहा है -1 लिखे, ठीक है। और SO4, ये SO4 का क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। चार्ज आपको समझ में आना चाहिए, रूल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन जो है वो भी बता देते चलेंगे, ठीक है। कहता है जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन इज 2 और 4, ठीक है, सिंपली समझते चलना है। जनरली मोनोवेलेंट जो ये होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोवेलेंट कैटायन का होता है वो जनरली 2-4 होता है। एक्सेप्शन में क्या है, Ag प्लस में 2 और Cr प्लस में 6 होते हैं, ठीक है। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बाईवेलेंट कैटायन 4 और 6, एक्सेप्शन Pt प्लस 2 और Pt प्लस 2 का क्या होता है बेटा, 4 होते हैं, ये ध्यान में रखना है। प्लस 2 वाले के भी 4 हो जाते हैं, ठीक है, बाईडेंटेट बाईवेलेंट ऐसे करके। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जनरली ट्राइडेंटेट का क्या होगा, तो ट्राइडेंटेट का क्या बोलता है कि जनरली ट्राइडेंटेट का कहाँ चला गया, यस, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्राइडेंटेड कैटायन, ठीक है, सॉरी ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट कैटायन का क्या होगा, 6। एक्सेप्शन में क्या है, A3 और Au+3, ये ट्राइडेंटेड ट्राइवेलेंट हो गया ना कैटायन, यही तो है, ठीक है। और ये क्या है, बाईवेलेंट, ठीक है, 2 वाला, तो इसका 4 ही होता है, इसका 6 नहीं होता है। और ये क्या बोला था, मोनोवेलेंट, तो मोनोवेलेंट का ये, तो ये का इसका 2 है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका कितना निकलता है, 6, ये भी ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन जो है वो बता दिए, इसका 4 और 6 दोनों होते हैं। जनरली कोऑर्डिनेशन ऑफ टेट्रावेलेंट कैटायन कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, 4 वाले का भी, यहाँ पे इन दोनों का 4 जो है उसका भी 6 देखने को मिलता है। बात ये है, ये है टेट्रावेलेंट कैटायन, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहे हैं, इसके 6 भी देखने को मिल रहा है। यदि कुछ और थोड़ा सा हम लोग देखें इसमें, जैसे कि Ni 28, Pd 46, Pt 78, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे ये आएगा, ठीक है। Ni प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ता है। तो ये इस तरीके से इसका पूरा शेप और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये आगे भी डिस्कस करेंगे, आपको हड़बड़ाने वाली बात नहीं, ठीक है, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर ही देखें। अर्थात डिटरमाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द फॉलोइंग, भाई निकालें, आई थिंक ये होमवर्क हम देंगे, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका होमवर्क, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिए हैं और आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी, तो ये सारा का आपका होमवर्क बनना चाहिए। अब हम आते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, समझ रहा, सिंपल सा भाषा में बोलता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। एक तो एटॉमिक नंबर होता है मेटल का, सपोज दैट सोडियम का कितना हो गया, 11, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, स्कैंडियम कितना हो गया, 21 हो गया, आयरन कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है, जिंक कितना हो गया, 30 हो गया, तो ये बेसिकली उनका एटॉमिक नंबर है। लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलता है कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के दौरान हम क्या किए, कुछ इलेक्ट्रॉन लिगेंड देता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, और कभी कभी सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आया, बात समझ में आ रहा है। तो इस दौरान जो लेन देन हुआ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पेयर का जो लेन देन हुआ, उसके बाद जो चार्ज, मतलब कि जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल मेटल एटम का, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे उसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो उसका जो EAN बढ़ जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम बोले कि जितना लेन देन बॉन्ड बनाने के बाद, कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्मेशन करने के बाद जितना लेन देन होगा,
वो सब कर पूरा के तुम्हारा जो चार्ज बस जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। और इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब EAN इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा भी कर सकते हैं। और x क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और ये 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, ये 2 इंटू क्यों किया गया है, तो भाई दो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं ना, इसीलिए दैट्स वाई 2 इंटू। तो इस फॉर्मूले के अनुसार जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सी ए में, एक्स क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी ए में, और वाई क्या है इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन मिला है किससे, लिगेंड से, वही हो गया। अब देखो जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो तीन, बाकी सब तुमको होमवर्क देंगे, ये बता रहे हैं ये क्या है, ये तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 26, यहाँ बाई 26। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, प्लस 3, प्लस 3 होगा ना, माइनस कैसे, ये जब हटाओगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको तुम हटा के भी कर सकते हो, साथ में ही कर सकते हो। अच्छा हम साथ में ही करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें पोटासियम का 3, ठीक है, प्लस X इसका पता नहीं है, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 6, ठीक है, माइनस 6 ये है ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो X बराबर क्या निकलेगा, प्लस 3, इज दैट क्लियर। ठीक है, ये तो अब आना चाहिए, ये क्या है बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक, और कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया 6, तो 6 गुना 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 आ जाएंगे यहाँ पे, टोटल कितना निकलेगा 35, तो EAN इसका कितना निकला 35। उसी प्रकार से इन सब का आपको ये देखो ये ध्यान रखना C2O4, ठीक है, C2O4 इसका कितना होता है 27, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना निकलेगा प्लस 3 इसका कोबाल्ट का, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बाईडेंटेड भी है, ये भी ध्यान में रखना है बाईडेंटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय थोड़ा सावधान रहना, ये वाला N5 ईटा 5 5 एटम का जो है रिंग बन रहा है C5H5, ठीक है, फेरोसिन यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको सही कर लेंगे, वहाँ पे ये C5H5 है ना, ये वही मेरा ध्यान गया है C5H5, ठीक है, ये तो ये फेरोसिन का था, तो फेरोसिन का एटॉमिक नंबर Fe का कितना हो जाता है 26, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस 2, Fe पे तो नजर ही आ रहा था आपको, ठीक है, कहने की क्या बात, और ये 12, ठीक है, 12, 12 कैसे हो गए भाई, तो में रखना है यहाँ पे बॉन्ड कितने यहाँ पे बन रहे हैं, थोड़ा सा 3 देखेंगे जरा सा अच्छे से, यहाँ पे 12 होंगे, ठीक है, कितना होंगे 12, ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको भी आपको ध्यान में, ये क्या बोला है नंबर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, स्ट्रक्चर हम बताना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये देखे 12 कैसे हुआ भाई, पूरा का पूरा इसमें एक्चुअली ये पूरा इलेक्ट्रॉन रिंग हो जाता है ना, इसलिए ये भी काउंट हो जाते हैं, सारे काउंट हो जाते हैं, यहाँ से कितने होंगे 2, 4 और ये 6, यही तो कोऑर्डिनेट किया है, तो 6 और यहाँ से भी 2, 4 और 6, ठीक है बेटा, फिर से 10 ही मिनट बचे हैं, लेकिन आई थिंक हम लोग का हो जाएगा, तो ये भी कितना है आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे पाई बॉन्ड उसको काउंट कर लेना है सिंपल, ठीक, तो यहाँ हो गए इसके 12। अच्छा C6H6 के भी कितने होंगे बेटा, 12 ही होंगे, क्योंकि एक बेंजीन में कितने रिंग, 3 सॉरी 3 पाई बॉन्ड, तो 6 × 12, ठीक है, डबल कर देना है, और ये 24 क्रोमियम का कितना हो जाएगा 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, तो ये आपका पूरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो, इसको आप करेंगे होमवर्क, ठीक है, हम समझा दिए हैं, बस थोड़ा सा ये सब पॉइंट जो है उसको एक बार देख लेंगे, क्या है कि NO जो है ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, जब न्यूट्रल रहेगा तब, अब NO+ यदि हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है,
तो ये एनो से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है जब बाहर निकलता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन जो है ये किसमें कन्वर्ट होता है, एनो प्लस। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है वो किससे बाहर निकलता है, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 15, तो 15 जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो एंटी बॉन्डिंग में इसका रहता है, ठीक है। और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम इसको हटाते हैं, एनो प्लस बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एंटी बॉन्डिंग से, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना मतलब इसकी स्टेबिलिटी को क्या कराता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना एनो प्लस ज़्यादा स्टेबल है, लिखो नहीं जी यहाँ पे, यहाँ केवल हम लिखें, ठीक है। तो ये कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे जो है एक दो जो था हमको लगा जो बताने लायक वो हम आपको बता दिए, ठीक है। अब सिडिविक वाला जो है ना वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, ये सिडिविक वाला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग कल करेंगे। ये थोड़ा उसी ईएएन से ही रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ करके भी आएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है, ये कल करेंगे। चलो जी, आज वाले में कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है। कितने लोग तो प्रेजेंट है, लेकिन लाइव सेशन के लिए कितने लोग प्रेजेंट है, काफी कम लोग, ठीक है, ये गलत चीज है, केवल 5 है, 4, और यहाँ पे इतने लोग प्रेजेंट ही बना रहे हैं अपना, ठीक है। चलो जी, यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर लीव करते हैं, ठीक है, लीव करो, और कल फिर हम लोग जुड़ेंगे यहीं से, ठीक है। थोड़ा सा मेटल कार्बोनिल के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उस चीज को समझेंगे, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्या रोल है, ठीक है, सिडविक कॉम्प्लेक्स यदि हो सके तो आपके पास जो भी बुक्स है वो उससे एक बार पढ़ करके आइए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर क्या है वो सारा कुछ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम अब मीटिंग जो है क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है जल्दी बताइए एक बार, ठीक है, थैंक यू सो मच।